प्रदेश सरकार ने अपनी जनहितकारी योजनाओं के संचालन को लेकर लाख दावे पेश करे, लेकिन धरातल पर नजर दौड़ाई जाए तो ये दावे खोखले साबित हुए। खरगोन जिले के गोगावा जनपद के ग्राम बेजापुर के ग्रामीण आजादी के बाद से अब तक प्राथमिक सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, लिहाजा सब्र का बांध टूटने की दशा में गांव की महिलाएं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि सरपंच सचिव की मनमानी से किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बेजापुर पंचायत योजनाओं के नाम पर सरकारी आंकड़ों की खानापूर्ति कर रहा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। बेजापुर से आया और हमको नई कुटिया मिली और नई लेटरिन मिली और नई हमको एटीएम का कूपन मिलता और नई हमको और बाबू का पेंशन मिलती। हम इस कारण से हम यहाँ खरगोन में आए। तो ज्ञापन दिया आपने, आप सरपंच सचिव ने इनसे मिले हैं? उनका मिलान तो हमको नहीं कहते। क्या बोलते हो? वो कहते हैं नाम नहीं है, नहीं एफएम में नाम नहीं है, नहीं तो अब हम एफएम कूपन कहाँ से लाए सर? ऐसी कितनी महिलाएं हैं आप लोग गांव में, कितने लोग हैं जिनको लाभ नहीं मिला है? अरे लाभ 40 महिलाएं हैं सर यहाँ पे, तो 40 महिलाएं हैं सर। आवेदन किए हैं आपने क्या? हाँ नहीं कर देते वो। क्या नाम है आपका? सुशीला भाई। ये कुटी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आए, हमको नहीं मिली इसलिए सभी जन शौचालय रोजगार गारंटी के वाला काम और सब हमारे रोजगार गारंटी में काम हुआ है आपके यहाँ? नहीं, 8 रोज चला फिर बंद हो गया। ये पौधों में ना। क्या नाम है आपका? मंकी भाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।